नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अपने किलों से जुड़ी ही विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज एक ऐतिहासिक किले की बात फिर से कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर शहर के अंतर्गत आने वाले तारागढ़ के ऐतिहासिक किले की। आपको बता दें कि राजस्थान भारत की धरती का सबसे अधिक किलों का इतिहास रखने वाला प्रदेश कहा जा सकता है, और अजमेर शहर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन शासकों के महत्व को बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से वर्णित करने का मादा रखता है। राजस्थान के अजमेर शहर के अंतर्गत तारागढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है जो अपने प्राचीन किले और दरगाह के लिए जाना जाता है। राज्य के बाकी स्थलों की तरह ही इसका भी एक अलग इतिहास रहा है। यह गढ़ विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह घूमने आए पर्यटकों द्वारा काफी देखा जाने वाला स्थान है। यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति, मुगल वास्तुकला को बहुत ही करीब से देखा जा सकता है। इतिहास और कला में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व रखने वाला स्थान है। भारतीय इतिहास में कुछ अहम पहलुओं को बारीकी से समझने के लिए यहाँ आपको आना चाहिए, और इस अंक के माध्यम से हम तारागढ़ अपने विभिन्न स्थलों के साथ साथ किस प्रकार आनंदित कर सकता है, किस प्रकार यहाँ के प्राकृतिक दर्शनीय स्थल आपको आनंदित मनोरित कर सकते हैं, यह सारी चीजें हम बात करेंगे। तो तारागढ़ के किले की बात करते हैं तो यह मुख्यतः अपने ऐतिहासिक तारागढ़ फोर्ट के लिए जाना जाता है। किला यहाँ की 800 फीट ऊंची नाग पहाड़ी पर स्थित है, जो पहाड़ी की तलहटी पर अजमेर शहर बसता है, जो अपनी प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह के लिए जाना जाता है। और इस किले के निर्माण की बात करें तो लगभग 1354 ईस्वी के दौरान इस किले का निर्माण हुआ था। इस पहाड़ी पर माउंटेन ट्रेकिंग का आनंद भी लिया जा सकता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ कभी राजपूत और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। ऐतिहासिक रूप से यह किला काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर आप अजमेर आए तो हमें लगता है कि एक बार इस किले का भ्रमण करना बहुत ही आवश्यक या बहुत ही मनोरक आनंददायी हो सकता है। यह ऐतिहासिक स्थल राजस्थान के प्रसिद्ध शहर अजमेर का हिस्सा है, तो आप यहाँ की विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह की भी सैर कर सकते हैं। यह प्रसिद्ध दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्होंने 1192 ईस्वी के दौरान अजमेर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, और अजमेर शरीफ राजस्थान के सबसे मुख्य आकर्षणों में से गिनी जाती है। इस दरगाह पर चादर चढ़ाने और मत्था टेकने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। ये स्थान ना सिर्फ मुस्लिमों बल्कि हर धर्म के लोगों के द्वारा देखा जाता है, और बता दें कि ज्यादातर पर्यटक अजमेर में दरगाह को देखने के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अलावा यहाँ मीरा सैयद हुसैन की दरगाह देखी जा सकती है। मीरा सैयद हुसैन तारागढ़ के सेना कमांडर थे, जिन्हें सुल्तान गौरी द्वारा नियुक्त किया गया था, और माना जाता है कि किले में राजपूतों के साथ हुई लड़ाई में सैयद हुसैन अपने बाकी सिपाहियों के साथ मारे गए थे, और मीरा सैयद हुसैन ख्वाजा गरीब नवाज को ही मानते थे। माना जाता है कि लड़ाई को सुन ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ आए, और उन्होंने नवाजे जनाजा के बाद अपने अनुयायियों के साथ मिलकर मीरा सैयद और अन्य शहीदों को यहाँ दफनाया था। तब से इस तरह की दरगाह मीरा सैयद के लिए प्रसिद्ध हो गई। अतीत से जुड़े हुए स्थलों की बात करें तो तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी पर बसे आधे दिन का झोपड़ा ऐतिहासिक संरचना को देखा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से यह स्थल काफी ज्यादा मायने रखता है, जो एक प्रसिद्ध मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गौरी के समय में करवाया गया था। इसको बनाने का काम 1992 से शुरू होकर 1999 में खत्म हुआ था, और इतिहास के बेहतर समझ के लिए तारागढ़ यात्रा में इस किले को शामिल किया जा सकता है। ऐतिहासिक स्थलों में यहाँ किशनगढ़ में स्थित रूपनगढ़ के किले का भ्रमण किया जा सकता है। यह किला तारागढ़ पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं होने के कारण एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। इस किले का निर्माण 1648 ईस्वी में कराया गया, और इसका नाम महाराजा रूप सिंह के नाम पर रखा गया था। वर्तमान में इस किले को फूलमाला पैलेस नामक होटल में तब्दील कर दिया गया है, और ऐतिहासिक रूप से यह किला काफी ज्यादा मायने रखता है।
इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले इस किले की सैर कर सकते हैं। और किशनगढ़ की बात करें तो यह अपने अद्भुत दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। और इस तरह से आज हमने तारागढ़ के आसपास की चीजों को, तारागढ़ के आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को आपसे परिचित कराया किलों से जुड़ी हुई अपनी विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। फिर किसी ऐसे ही किले, फिर किले के आसपास के ऐसे ही स्थलों की सैर कराएंगे अपने इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। तब तक देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।